काय करे रिया हो पूरा पारियो, समझ गए ना। आज हम बात करेंगे निमाड़ी भाषा के बारे में। आप कहेंगे निमाड़ी तो बोली है, आप इसे भाषा क्यों कह रहे हो? तो इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो इस भाषा का क्षेत्र मालवा के दक्षिण छोर से शुरू होता है, जो कि फिर उत्तरी महाराष्ट्र खानदेश तक जाता है। यह बोली विंध्य और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी के इलाके में बोली जाती है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, कुक्षी तथा धार मुख्य रूप से इस भाषा का घर है। निमाड़ी संस्कृत भाषा परिवार की ही सदस्य है, जिसकी निकटतम भाषा या बोली मालवी है। कुछ विद्वानों ने इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली समूह में रखते हैं तथा कुछ विद्वान इसे बुंदेली बघेली के साथ मध्य प्रदेश के बोली के समूह में रखते हैं। निमाड़ी मुख्य रूप से हिंदी, गुजराती, मराठी जैसी प्रमुख भाषाओं से बनी है, जिस पर मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी बोली का काफ़ी प्रभाव है। निमाड़ी में अंग्रेजी, तुर्की और फ्रांसीसी भाषा के भी शब्दों को अपनाया है। उच्चारण की दृष्टि से निमाड़ी मालवी की ही तरह है। वर्तमान काल में इसकी लिपि देवनागरी है। आइए अब कुछ निमाड़ी भाषा के प्यारे प्यारे मुहावरे सुनते हैं। पहला, अगिया बेताड़, यानी बहुत मेहनती, कुप्पा होना, नाराज होना। जाफत देणो, यानी रक्षा करना। दम का दम, अभी के अभी। तीन में ना तेरा में, जिसको कोई नहीं पूछता। निमाड़ी को बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या 20-25 लाख है, अगर मालवी भाषियों को हटा दिया जाए। कुछ लोग इसे 1 करोड़ भी कहते हैं। अब आते हैं बोली और भाषा वाले प्रश्न पर, जो आपने शुरू में पूछा था। तो मैं यह बता दूं कि 30,000 शब्दों का शब्दकोश तथा अपना व्याकरण होने के बाद भी निमाड़ी को भाषा का स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। यह अपने भाषा के मान के लिए संघर्ष रहते हैं। निमाड़ी बोली को प्रोत्साहन देने हेतु 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस भी मनाया जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भाषा और बोली की यह बहस अर्थहीन है, क्योंकि वाचिक परंपरा का अपना अलग महत्व होता है। भाषा हो या बोली, दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो यह कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद तथा विचारों का आदान प्रदान हो। तो ये थी हमारी निमाड़ी भाषा पर संक्षिप्त प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला भी काफ़ी बढ़ता है। धन्यवाद।